प्रोग्रामों की सूचना नहीं पहुंच पाती है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से हूँ, शायद जैसा सभी ने अपना अपना दर्द बताया, मेरा भी शायद उसी तरह का दर्द है कि जब दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU में कुछ होता है तो उसके समर्थन में लखनऊ यूनिवर्सिटी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ती है। वो चाहे कन्हैया कुमार का मामला रहा हो, रोहित बेमुला का मामला रहा हो या कोई और इशू रहा हो, हमेशा लखनऊ यूनिवर्सिटी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो लोग छवि बता रहे थे या बताते हैं वो कैसी है क्या है, मैं एक बात बताऊं कि भगत सिंह ने एक बात कही थी कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, तो शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हैं वो बहरे हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है धमाका करना ही पड़ता है। हमारे में एक बात घटना की का जिक्र करना चाहूँगा कि मेरे यहाँ फीस वृद्धि हो गई और फीस 60% फीस बढ़ाई गई। हम लोग आंदोलन कर रहे थे, 3 दिन लगातार आंदोलन किए, हमारी बात नहीं सुनी गई। हम लोगों ने रजिस्ट्रार साहब की गाड़ी तोड़ दी उसी दिन, हमारी बात सुन ली। अब बताइए हम क्या करें आखिर। और फीस वापसी हो गई, पूरी फीस वापसी हो गई, हमने जिस दिन गाड़ी का शीशा तोड़ा उसी दिन फीस वापसी हो गई। 25 लाख रुपए का पूरी तरह से सीधे सीधे कहा जाए कि भाजपा के लोग चाय पकौड़े में खर्चा करते। हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने उसको राज्यपाल तक भी पहुँचाया, कुलपति से भी बात की, लेकिन शायद किसी ने नहीं सुना। फाइनेंस ऑफिसर जो है उसको इन्होंने हटा भी दिया, उसको उसने भी विरोध किया, लेटर जारी किया कि छात्रों के पैसे का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। उसको तुरंत इन लोगों ने हटा दिया और पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग किया। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने सोचा कि अब विरोध होगा तो कायदेश होगा। सीधी सी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी आ रहे थे उस कार्यक्रम में और हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ की बोनट पर कूद गए और उनको बोनट पर पीटा, कायदेश और रोका भी, 10 मिनट गाड़ी को रोका हमने, उनसे सवाल किया कि आखिर आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। उसमें कई चीज प्रतिक्रियाएं आई कि इन्होंने फेम के लिए किया, ऐसा मुख्यमंत्री की गाड़ी रोकी या गलत किया। शायद मेरे साथ भी कुछ हो सकता था, भाई सिक्योरिटी होती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन उन सब चीज़ों को हमने नहीं सोचा। जो हमारी लड़ाई है वही मैं कहना चाहूँगा कि जब लखनऊ यूनिवर्सिटी आपके इश्यूज पे हमेशा लड़ रही है, लड़ती है और लड़ती रहेगी, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली के लोग जो JNU के लोग हैं, शायद ये लोग हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं मानते। हम लोग जेल में थे, मेरा उत्पीड़न इस प्रकार से किया गया कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मुझे थाने में भी मारा गया, वो मौके पर जितना पीटा गया वीडियोज़ में देख सकते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का वीडियो देख सकते हैं। थाने में पीटा गया वो अलग चीज़ है, जेल में जाते ही जाते जेल के अंदर शायद किसका फोन पहुंचा, क्या हुआ, जेल के अंदर पुराने कैदियों के द्वारा जो वहां पे पहले से कैदी थे उनके द्वारा मेरा हम लोगों का उत्पीड़न कराया गया। हम लोगों को क्या बताएं, किस तरह से कपड़े निकलवा करके क्या क्या किया गया, शायद हम बयान नहीं कर सकते। यही सारी चीज़ें हैं। अब उस पर ये होता कि कल मैं देख रहा था एक जो मेरा आंदोलन है कि हम लोग का आंदोलन कैसा होना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। क्या हमारा आंदोलन जो हमारे मुद्दे हैं उनके सोल्यूशन के लिए होना चाहिए या सिर्फ नेता बनने के लिए होना चाहिए। मैं कल से देख रहा हूँ कुछ लोगों को मैंने देखा कि कुछ फेम पाने के बाद एटीट्यूड आ जाता, शायद वो नहीं होना चाहिए। वो हम लोगों को क्या समझता है, छोटे कॉलेज के हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या मतलब है, डिग्री कॉलेज के हैं, आप बड़े हो गए ठीक है, आपको मीडिया ने फेम दे दिया है, लाइमलाइट में आप अच्छा है, आप बड़े नेता बने, प्रधानमंत्री बन रहा है ठीक है, लेकिन आप उन चीज जहाँ से निकल के आए उन लोगों को मत भूलिए, क्योंकि आपकी लड़ाई को उन्हीं ने लड़ाया था, बाद उन्हें इतना बड़ा नाम बने, और उनकी लड़ाई अगर आपकी लड़ाई नहीं है तो फिर आपका नाम बेकार है। तो यही क्योंकि मैं एक बात बताऊंगा कि जिन मैं आप समझ रहे हैं मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, अभी मेरे लखनऊ में एक कार्यक्रम था, RSS के लोगों ने उनको यहाँ तक कि जैसे एंट्री हुई तुरंत पीटना शुरू कर दिया, हम लोगों को पता चला, और वो लोग मेरे लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही लोग थे, VUP के लोग थे, हम लोगों ने उनको बचाया, पूरी कोशिश की हम बचाएं, और बचाया हमने सुरक्षित उनको वहाँ से निकाला। उसके बावजूद अगर आप हमें लोगों से इस तरह की एटीट्यूड दिखाएंगे तो शायद जो वो लोग हैं जो बहुत पीछे हैं उनके साथ आप क्या करेंगे, समाज की आप लड़ाई क्या लड़ेंगे, आपसे उम्मीद करना तो बेकार है। आज इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा, तो धन्यवाद। कि मेरे थोड़े से सब कड़वे हो सकते हैं इस बात को, कि मैं 3 दिन से 2 दिन का जो कार्यक्रम था स्टेट का देख रहा हूँ, और उसमें जो जो टॉपिक बनाए गए थे, जो जो भी चर्चाएं हो रही थी, जिस जिस पे बात रखे जा रहे थे, जो सब्जेक्ट बनाए गए थे, मैं पूरा क्लियर होकर और सीरियसली उस चीज़ों को सुन रहा,
भाई साथियों ने एलिगेशन भी लगाया जूरी पैनल पे और यहाँ के कार्यक्रम संचालक के ऊपर, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। बात यह है कि इस तरह के जो बंद कमरे में कार्यक्रम हो रहे हैं और जो चिंताएं जताई जा रही हैं, ये चिंताएं इन बंद कमरों में हो लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जो है जमीन पे भी दिखे, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि इस तरह की संस्थाएं जो है, अब इस तरह का जो कार्यक्रम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जितने भी इश्यूज हैं लगातार, अगर हम कहें कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कौन ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो जेएनयू के कार्यक्रम, जो जेएनयू में हुआ, जो जेएनयू में जो चला, जो जेएनयू के लिए लड़ाई लड़ी गई, नहीं जानता, सब जानते हैं, मीडिया का हर चैनल इसको फोकस किया, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोग्रेसिव फ्रंट हैं, इसको लेकर प्रोटेस्ट किए, हर यूनिवर्सिटी में इसका कार्यक्रम चलाया गया, लोगों ने आगे आकर के इसकी मुहिम पे अपनी भूमिका निभाई। सवाल ये है कि अभी हमारे सामने कई ऐसे मुद्दे थे